वो आसाम के गुम हो चुके कबीले का एक ऐसा शख्स है जिसने कुदरत और हरियाली के साथ एक अनोखा रिश्ता कायम कर लिया है। अब जबकि जंगलात की कटाई के असरात ने हमारी जिंदगी और फितरत को खतरे में डाल दिया है, तो वो खामोशी से फितरत के तहफ्फुज के लिए कोशा हैं। उनका नाम जाधव पायेंग है। फितरत के तहफ्फुज के लिए उनकी अनथक कोशिशों ने उन्हें एक जिंदा दास्तान बना दिया है। मामला सन 1979 में आसाम के जिला गोलाघाट का है। जिला इंतजामिया ने कोकेला मुख के करीब ओना छापोरी में जंगलात लगाने का मंसूबा शुरू किया था। पायेंग को मुलाई भी कहा जाता है। पायेंग शजरकारी के लिए कामगारों की टीम के साथ ओना छापोरी गए थे। प्रोजेक्ट की तकमील के बाद जब तमाम कारकुन वापस लौट आए तो मुलाई उर्फ जाधव पायेंग पौधों की देखभाल और उनकी इफ्जाइश के लिए वहीं रुक गए। अब इस ओना छापोरी को मुलाई केथोनी के नाम से जाना जाता है। जंगलात के तहफ्फुज के लिए मुलाई का काम सन 2009 में मंजरे आम पर आया। इसके बाद सैकड़ों लोग इस इंसान के जरिए बनाए गए अनोखे जंगल को देखने के लिए मुलाई केथोनी गए। अब मुलाई केथोनी में 100 से ज्यादा हाथी, अनगिनत हिरण और 4 रॉयल बंगाल टाइगर यानी बाघ हैं। पायेंग एक ऐसा नाम बन गया है जिसे आलमी बिरादरी ने जंगलात के तहफ्फुज के काम के लिए सराहा है। मैं सन 1979 से जंगलात के तहफ्फुज के लिए काम कर रहा हूँ। तब मेरी उम्र तकरीबन 14 से 15 बरस थी। मैं तब से ही जंगलात के तहफ्फुज में शामिल हूँ। सन 2012 में पायेंग को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की जानिब से फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की डिग्री से नवाजा गया। ये डिग्री जंगलात के तहफ्फुज के लिए उनकी कोशिशों को तस्लीम करती है। उसी साल कनाडा के फोटोग्राफर विलियम डिग्लिस मैकमास्टर ने उन पर द फॉरेस्ट मैन नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई। सन 2013 में इस डॉक्यूमेंट्री ने कांस फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म का अवार्ड जीता था, जबकि 2015 में पायेंग को भारत का चौथा सबसे बड़ा शहरी अवार्ड पद्मश्री से नवाजा गया था। इसके अलावा हुकूमत महाराष्ट्र ने हाल ही में स्कूली निसाब में जंगलात के तहफ्फुज के लिए पायेंग की कोशिशों को शामिल किया है। अमेरिका में टीचर नबाबी शर्मा के फेसबुक पोस्ट के जरिए मुझे मालूम हुआ कि वहाँ के निसाब में एक बाब है जिसका उन्वान है द फॉरेस्ट मैन जाधव पायेंग। अगर ऐसा है तो एक आसामी और जोरहाट का बाशिंदा होने पर फख्र है। नबाबी शर्मा ने जेबी कॉलेज में तवील अरसा तक तालीम भी हासिल की है। जोरहटिया हिसाब से हिसाब से गौरव करूँ। हाल ही में अमरीकी हुकूमत ने 11वीं जमात के निसाब में जाधव पायेंग की कहानी को शामिल किया है, जिसका उन्वान द फॉरेस्ट मैन जाधव पायेंग है। जोरहाट की रहने वाली नबामी शर्मा अब अमरीकी शहर कनेक्टिकट के ग्रेट हेल्प स्कूल में पढ़ाती हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने भी जाधव पायेंग से मुतालिक निसाब में एक बाप को शामिल किया है। तलबा के दरमियान हम लोग पद्मश्री जाधव पायेंग के बारे में बात करते हैं। वो पायेंग पर डॉक्यूमेंट्री देखने का लुत्फ उठाते हैं। हम पायेंग और उनके कामों के बारे में चर्चा करते हैं। तलबा के साथ सवाल जवाब का सेशन रखते हैं। बच्चे उनके बारे में जानने के लिए बेकरार होते हैं। हम लोग आसाम से बहुत दूर है, फिर भी उनके बारे में बात करते हैं। लोगों को इस बारे में जानने के लिए तैयार किया जाता है। हर आसामी बाशिंदे को अपनी मिट्टी के इस लाल पर फख्र है जिसने जमीन से आसमान तक का सफर किया है। जहाँ तक जंगलात के तहफ्फुज की बात है, जाधव पायेंग और उनका मुलाई केथोनी यकीनन दुनिया के लिए एक शानदार मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। चौबीसों घंटे खबर लगातार देखने और पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत है।